नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जी हां, सतना से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सतना हेलीपैड पर पहुंचे और वहां पर वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हेलीपैड के रेस्ट हाउस में उन्होंने चर्चा की। साथ ही सिंगरौली के लिए रवाना भी होंगे अमित शाह। वरुण शर्मा संवाददाता मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, आज अमित शाह पहुंचे, हेलीपैड पर ही तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है उन्होंने, सिंगरौली के लिए रवाना हुए या नहीं हुए और क्या कुछ इस मुलाकात में रहा? तो वरुण जो है जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अमित शाह, सिंगरौली के लिए रवाना होंगे। सतना से ये बड़ी खबर। चलिए वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, अमित शाह पहुंचे सतना, हेलीपैड पर ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, क्या कुछ इस मुलाकात में फलसफा रहा और दूसरा सिंगरौली के लिए कब रवाना होंगे सीएम वो अमित शाह? देखिए, अमित शाह जी सिंगरौली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी आज चार कार्यक्रम है, सिंगरौली है, उसके बाद उमरिया, चुरहट और रीवा में देवतालाब, और इसके बाद मैहर में ही उनका रोड शो है। आज सतना उतरने का कार्यक्रम तो अचानक, पहले से इसका कार्यक्रम नहीं आया था, उसके कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा की जो स्थिति है कई सीटों में बहुत खराब चल रही है, कई जगह जातीय समीकरणों को लेकर बहुत सारी स्थितियां खराब है, तो उसके लिए करीब वो आधे घंटे हेलीपैड पे ही रेस्ट हाउस में बैठे और प्रत्याशियों से वन टू वन चर्चा की और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं से चर्चा की और हार जाना, हालांकि अमित शाह के चेहरे से लग रहा था कि वो असंतुष्ट दिख रहे हैं और अभी पार्टी में कसावट लाने की जरूरत है और आवश्यक दिशा निर्देश देकर वो सिंगरौली के लिए रवाना हुए हैं और शाम को मैहर में फिर से भाजपा के सभी प्रत्याशी वापस पहुंचेंगे और उनका मैहर या सतना में रुकने का भी आज कार्यक्रम है। अभी ये तय नहीं हुआ कि मैहर रुकेंगे कि या सतना रुकेंगे, लेकिन ये तय है कि नाइट हाल्ट वो सतना जिले में करेंगे और कल माँ शारदा के दर्शन करेंगे। इस बीच ये कई वरिष्ठों से और व्यापारियों से भी उनकी मीटिंग होगी, तो सतना आने का उनका बड़ा कारण था क्योंकि सर्वे में कहीं ना कहीं भाजपा की कई सीटें देखा जाए तो सतना छोड़कर बाकी छह सीटें बहुत कमजोर है, उसको लेकर वो इस पर मंथन करेंगे और वरिष्ठों से और पार्टियों से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया वरुण, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।